नमस्कार दोस्तों, और स्वागत करता हमारा YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुंबई से सिंगापुर तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। दोस्तों, सिंगापुर एक बहुत ही सुंदर देश है और ज्यादा दूर भी नहीं है इंडिया से, आप आराम से जा सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है। और आज मैं आप लोग बताऊंगा फ्लाइट टिकट्स के बारे के लिए। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि डिस्टेंस जो है मुंबई से सिंगापुर वो तकरीबन 3,900 किलोमीटर है, और डायरेक्ट फ्लाइट ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन 5.5 घंटे लग जाएंगे। यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट मुंबई से सिंगापुर अगर आप जाते हो नॉन स्टॉप, आपको मिनिमम 5.5 घंटे लग जाएंगे। और एक बात है कि सिंगापुर के टाइम जोन जो है वो +2.5 आवर्स से इन रिलेशन टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि जब नई दिल्ली में 8 बजेंगे सुबह को, उसी सेम टाइम में सिंगापुर में बजेंगे सुबह को 10:30। सिंगापुर की करेंसी को कहते हैं सिंगापुर डॉलर, और एक सिंगापुरियन डॉलर इंडिया के बराबर 61 रुपीज है, यानी कि एक सिंगापुर डॉलर से आपको इंडिया में 61 रुपीज मिलेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं ऑनलाइन में मुंबई से सिंगापुर तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है। मैं मेक माई ट्रिप से देखता हूँ, तो मेक माई ट्रिप दिखा रहे हैं डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो 3 सबसे सस्ती जो है, इंडिगो, एयर इंडिया और विस्तारा। सबसे ऊपर वाली इंडिगो दिखा रहे हैं 12,450 रुपए के बराबर, और ये दोपहर को 12 बजे जाएंगे और रात को सिंगापुर के टाइम 8 बजे पहुंचेंगे। बीच वाले एयर इंडिया जो है वो रात को 11:40 जाएंगे और सुबह को 7:50 सिंगापुर टाइम में पहुंचेंगे। ये प्राइस ज्यादा है ऑलमोस्ट 18,000 रुपए के बराबर। और सबसे नीचे वाला जो है वो विस्तारा है, रात को ऑलमोस्ट 1 बजे जाएंगे और सुबह को 9:15 सिंगापुर टाइम में पहुंचेंगे, और इसका प्राइस भी 18,000 है। तो डायरेक्ट फ्लाइट जो है सबसे सस्ती अभी इंडिगो दिखा रहे हैं, दोपहर को 12 बजे जाएंगे और रात को 8 बजे सिंगापुर टाइम पहुंचेंगे, जिसका प्राइस है तकरीबन पकड़ लो आप 12,500 रुपए। और अभी चलिए देखते हैं कनेक्टिंग फ्लाइट अगर आप जाते हो तो कितना पैसा लगेंगे आपको। कनेक्टिंग फ्लाइट देखिए तो तीनों ही सबसे सस्ती इंडिगो की ही फ्लाइट है, और तीनों की फ्लाइट प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, 10,600 रुपए के बराबर। और जो फ्लाइट से पहली वाली फ्लाइट बेंगलुरु से जा रही है, बीच वाली फ्लाइट भी बेंगलुरु, और लास्ट वाली फ्लाइट भी कोलकाता से जा रही है, और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 9 घंटे से लेकर 12.5 घंटा तक की डिफरेंस है। और अगर मैं कंपेयर करूँ जो डायरेक्ट फ्लाइट है उसमें, आप देख सकते हो कि ये जो कनेक्टिंग फ्लाइट है 2,000 रुपए कम है। तो आप इसलिए सोच लो आप डायरेक्ट फ्लाइट में जाना चाहते हो या कनेक्टिंग फ्लाइट में। डायरेक्ट फ्लाइट में जाने से आपको 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, लेकिन आप 2-3 घंटे से ज्यादा पहले पहुंचोगे अपना डेस्टिनेशन। तो इसलिए आप एक बार चेक कर लीजिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए कि कनेक्टिंग फ्लाइट चाहिए। और चलिए भी देखते हैं अगर आप मुंबई से सिंगापुर बिजनेस क्लास पे जाते हो तो कितना फेयर है इसकी। तो दोस्तों, अगर आपके पास बहुत पैसा है और बिजनेस क्लास पे जाना चाहते हो, यहाँ पे देख सकते हो एयर इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट जो है मुंबई से सिंगापुर 47,702 रुपीज है। बीच में विस्तारा की फ्लाइट जो है उसमें 47,870 है, और नीचे सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट जो है इसकी प्राइस है 63,885। तो कितना कॉस्टली है कंपेयर टू इकोनॉमी फ्लाइट, आप सोच सकते हो। इकोनॉमी फ्लाइट आपको मिल रहे थे 12,500 रुपए में, और ये हो गए मिनिमम 47,700। लेकिन ठहरिए, इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्लाइट है, और वो कौन सा है अभी आपको दिखाता हूँ। अगर आप मुंबई से सिंगापुर फर्स्ट क्लास में जाते हो तब आपको कितना पैसा देना पड़ेगा वो अभी चलिए देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा सबसे कॉस्टली फ्लाइट मुंबई से सिंगापुर फर्स्ट क्लास में, जो बिजनेस क्लास से भी ज्यादा कॉस्टली है, और ये सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट है, और इसकी प्राइस जो है 1.5 लाख से भी ज्यादा है एक टिकट की। एग्जैक्टली दे ले तो 1,54,229, मतलब 1,55,000 के बराबर। तो एक बार सोच लीजिए, अगर आप इकोनॉमी में जाते हो आपको 12.5 हजार लगेंगे, अगर आप बिजनेस क्लास में जाते हो आपको तकरीबन 48,000 लगेंगे, और अगर आप फर्स्ट क्लास में जाते हो आपको 1.5 लाख से भी ज्यादा पैसे लेंगे। तो कौन सा फ्लाइट में आप जाना चाहोगे, इकोनॉमी, बिजनेस या फर्स्ट क्लास, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये रहा एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको कहा कि मुंबई से सिंगापुर तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वीडियो को आज यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत सारे नए वीडियोस आने वाले हैं, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।